मुझे इम्तिहानात देना है, मेरी तैयारी नहीं है। आखिर मैं कौन से टॉपिक प्रिपेयर करूं? आज इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस शेयर कर रही हूं इंग्लिश में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सेंटेंसेस यूजुअली बोलते हैं, तो लेट्स सी व्हाट आर दीज सेंटेंसेस एंड हाउ कैन यू स्पीक दीज सेंटेंसेस। नंबर वन, आई हैव एन एग्ज़ाम टुडे, आज मेरा एग्ज़ाम्स है। और आप ये भी कह सकते हैं आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, कल मेरा इम्तिहान है। आई हैव टू स्टडी टुडे, मुझे आज पढ़ना है। आई हैव टू स्टडी टुडे, मुझे आज पढ़ना है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई डोंट नो वॉट टू स्टडी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या पढ़ूँ। आई डोंट नो वॉट टू स्टडी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या पढ़ूँ। आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मेरी स्टमक में गुदगुदी हो रही है, मेरी स्टमक में अजीब सी दर्द हो रही है। आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आई फॉरगॉट वॉट आई हैव स्टडीड, मैं भूल गया मैंने क्या पढ़ा था। आई फॉरगॉट वॉट आई हैव स्टडीड, मैं भूल गया मैंने क्या पढ़ा था, क्या याद किया था, क्या तैयारी की थी। आई फील हेडेक ड्यू टू एग्ज़ाम्स टेंशन, मेरे सर में दर्द हो रहा है एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से। आई फील हेडेक ड्यू टू एग्ज़ाम्स टेंशन, मेरे सर में दर्द हो रहा है इम्तिहान की टेंशन की वजह से। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या ये कभी आपके साथ हुआ है। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या ये कभी आपके साथ हुआ है। आई हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द डे ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी पहले ही आधा दिन गंवा चुका हूँ। आई हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द डे ऑलरेडी, मैं पहले ही आधा दिन गंवा चुका हूँ। वैन विल आई स्टार्ट माई स्टडी, मैं कब पढ़ूँगा, कब शुरू करूँगा। वैन विल आई स्टार्ट माई स्टडी, मैं कब शुरू करूँगा पढ़ना। समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो ज़रूर करना होगा। समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो ज़रूर करना होगा। आई शुड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं अपने वालदैन से मदद के लिए पूछता हूँ। मुझे अपने वालदैन से मदद के लिए पूछना चाहिए। आई शुड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से मदद के लिए पूछना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। आई शुड कॉल माई फ्रेंड टू आस्क अबाउट दिस स्टडी, मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहिए और स्टडी की मालूमात लेना चाहिए। आई शुड कॉल माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना चाहिए टू आस्क अबाउट हिज स्टडी, उसकी तैयारी के बारे में या उसकी पढ़ाई के बारे में। आई शुड ओपन माई बुक, मुझे अपनी किताब खोलनी चाहिए। आई शुड ओपन माई बुक, मुझे अपनी किताब खोलनी चाहिए। आई शुड प्रिपेयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी या ख़ास ख़ास या अहम अहम सवाल तैयार करने चाहिए। आई शुड प्रिपेयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली, मुझे सिर्फ ख़ास सवाल तैयार करने चाहिए। माई फ्रेंड टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, मेरा दोस्त तो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। माई फ्रेंड टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, मेरा दोस्त तो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। यू शुड हैव स्टडीड विद योर लेक्चर्स, आपको अपनी स्टडीज अपनी लेक्चर्स के साथ स्टडीज करनी चाहिए थी। यू शुड हैव स्टडीड विद योर लेक्चर्स, आपको अपने लेक्चर्स के साथ पढ़ना चाहिए था या स्टडी करनी चाहिए थी। यू टॉक एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। यू टॉक एज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। दिस इज़ द फाइनल एग्ज़ाम, ये हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। नॉट अवर रूटीन टेस्ट, हमारे रूटीन टेस्ट नहीं है ये। दिस इज़ अवर फाइनल एग्ज़ाम, नॉट अवर रूटीन टेस्ट, ये हमारे रूटीन टेस्ट नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। यू नीड टू पुट योर मोर एफर्ट, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, आपको ज़्यादा एफर्ट अपने इम्तिहान में डालनी चाहिए। यू नीड टू पुट योर मोर एफर्ट, आपको ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए। व्हाई डिडंट यू स्टडी, आपने क्यों नहीं पढ़ा। Why didn't you study? आपने क्यों नहीं पढ़ा। Why did you not have this book? आपके पास ये किताब क्यों नहीं। Why did you not have this book? आपके पास ये किताब क्यों नहीं थी। I want to study but I was busy, मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं मसरूफ था। I wanted to study but I was busy, मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मैं मसरूफ था। Why did you come to my house to combine study? आप मेरे घर क्यों नहीं आए combine study के लिए। Why didn't you come to my house to combine study? आप कंबाइन स्टडी के लिए मेरे घर क्यों नहीं आए। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आप कितना वक्त लेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, आप कितना वक्त लेंगे। आई वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टाइम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आई वॉन्ट टेक अ लॉन्ग टाइम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जस्ट एक्सप्लेन टू मी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ मुझे ख़ास ख़ास अहम अहम टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, समझा दें। जस्ट एक्सप्लेन टू मी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मुझे ख़ास ख़ास टॉपिक समझा दें। I will send you on your phone, मैं आपको मोबाइल पर फ़ोन पर सेंड कर दूँगा। I will send you on your phone, मैं आपको आपके नंबर पर मोबाइल पर सेंड कर दूँगा। I lost my phone, मेरा फ़ोन गुम हो गया है।
आई लॉस्ट माई फ़ोन, मेरा फ़ोन गुम हो गया है। इट वॉज मेंट टू हैपन, ये तो होना ही था। इट वॉज मेंट टू हैपन, ये तो होना ही था। ऑल राइट, आई टेल यू सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है मैं आपको इम्तिहान के लिए कुछ अहम टॉपिक बता देता हूँ। ऑल राइट, आई टेल यू सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस एग्ज़ाम, मैं आपको इस एग्ज़ाम्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैम, आपको सिर्फ ये समझना है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैम, आपको सिर्फ ये समझना है। यू कैन एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स इन योर ओन वर्ड्स, आप ये तमाम टॉपिक्स अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स इन योर ओन वर्ड्स, आप इन तमाम टॉपिक्स को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। द कंसेप्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा अहम है। द कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग, कंसेप्ट जो है याद करने से ज़्यादा अहम है। यू हैव टू पास दिस लेवल इन एनी कंडीशन, आपको हर हाल में ये इम्तिहान पास करना है। यू हैव टू पास दिस लेवल इन एनी कंडीशन, आपको ये हर हाल में पास करना है। टाइम फ्लाइज आउट, वक्त गुजरता जा रहा है। टाइम फ्लाइज आउट, वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स अमूमन डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में, और उनकी कुछ ऐसी ही कंडीशन होती है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। इफ़ इट इज़, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।